चलो शाबाश, हिम्मत करो, तुम गाड़ी तो लाए हो ना खुरम? वो रोशाने को बाजू से पकड़कर उठाते हुए खुरम से बोली। उसने हाँ में सर हिलाते हुए रोशाने पर तफसीली निगाह डाली। वो उसे कोई 4 साल के अरसे के बाद देख रहा था, फिर पलवशा की तरफ देखा, वो भी इसी को मुलाहिजा कर रही थी, एक तरह से उसके चेहरे के तासुरात का जायजा ले रही थी। नजरें मिलने पर वो बेसाख्ता हंस दिया, वो भी मुस्कुरा दी। पलवशा हो ना तुम, इतनी बड़ी हो गई हो। वो शायद बेसाख्ता हंस पड़ने पर खिसिया गया था। सूरत हाल बहरहाल हंसने की नहीं थी। शुक्र है आपने पहचान तो लिया, तुम लोग ये बातें बाद में करते रहना, पहले गाड़ी में बैठो। खुरम, ये सामान तुम उठाकर आगे चलो, मैं और बशीर रोशाने को संभालते हैं। मगर दादी जान, मैं कैसे जाऊंगी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है फ्रैक्चर हो गया है पैर में। उफ, लगता है अब मैं सारी उम्र लंगड़ा कर चलूंगी। सफर की इब्तदा ही मनहूस हुई है। वो पलवशा का सहारा लेकर वह मुश्किल खड़ी हुई, मगर कराह कर दोबारा बैठ गई। मैडम, सफर तो वसीला जफर होता है, इसे मनहूस नहीं कहते। हाँ, हमारे अमाल की नहुसत ही कभी हमें अपनी लपेट में ले लेती है। आई मीन के, खुरम की नज़र दादी पर पड़ी तो सर खुजाता जल्दी से सामान की तरफ मतवज्जो हो गया। वो लम्ब भेज कर उसे घूर कर रहेगी। मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी, घर नहीं। वो दादी से उलझ पड़ी। आप खातून कितने दिनों का प्रोग्राम सेट करके आई हैं? उसने सामार पर नज़र डालते हुए अब्रू उचकाकर पलवशा की तरफ देखा। 1 वीक, वो इत्मीनान से बोली। सिर्फ 1 हफ्ता? मगर ये सामान तो कहीं इसमें नादिया और ऐनी को तो बंद करके नहीं लाई टिकट बचाने के लिए? वो राजदाराना अंदाज में चहक कर सरगोशी में बोला तो वो बेसाख्ता खिलखिला पड़ी। स्टेशन के इस वहशतनाक और धूप से तपते खुले आसमान तले ये हंसी किसी ठंडे मीठे चश्मे की तरह ही खुरम को महसूस हुई थी। वो खुद भी अपनी हंसी जैसी ही थी, महकती अलबेली। उसके एक नज़र रोशाने पर डाली जो दादी की डांट पर लंगड़ाहट के साथ गाड़ी की तरफ जा रही थी। वो खूबसूरत तो हमेशा से थी, अब कुछ और निखर आई थी। उसके बालों की लंबाई में भी शायद इजाफा हो गया था, ताहम वो पलवशा से मिजाज के मामले में बिल्कुल मुतजाद थी। खुद सर जिद्दी और मगरूर, मगर किसी हद तक अहमक सी महसूस हुई। यूं भी उसका ख्याल था कि खुदसर और ज़िद्दी लोग बला के अहमक होते हैं, या फिर अहमक ही ज़िद्दी और खुदसर होते हैं। याद रखिएगा दादो, अगर मैं फौरी तौर पर हॉस्पिटल ना गई तो हमेशा के लिए अपाहज हो जाऊंगी, और मेरा खून, सॉरी, ये मोहताजी आपके सर होगी। वो रास्ते भर हॉस्पिटल जाने की तान खींचती रही थी। अरे फिक्र क्यों कर रही हो, हमारा घर डॉक्टरों से भरा पड़ा है, खुरम ने उसे तसल्ली दी। अच्छा, क्या आपके घर में डॉक्टर्स क्यारी में उगते हैं? उसे उसकी तसल्ली कतई बहलावा लगी थी। सिर्फ क्यारियों में नहीं, गमलों में भी उगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टरों के मामले में खासे खुद कफील हैं। उसने मिरर से उसे देखा तो वो उस पर एक गुस्सीली नज़र डालकर रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। सिकंदर विला एक पुराने तर्ज का मगर वसी और अरीज 2 मंजिला मकान था, जिसे कोठी भी कहा जाता तो गलत ना होता। उसका डिज़ाइन गोके बहुत पुराना था, मगर उसे नए रंगो रोगन से आरास्ता किया गया था। बाहर बड़ी बड़ी बेलें लटक कर दोनों तरफ की दीवारों को खुशनुमा बना रही थी। पोर्च इतना बड़ा था जिसमें बयक वक्त 3 गाड़ियां बआसानी खड़ी की जा सकती थी। पोर्च के इख्तिताम पर बागीचा शुरू हो जाता था, जहां एक उधेड़ उम्र मुखन्नी सा माली उसकी तराश खराश में मसरूफ नजर आता था। घास के सबज कते के 3 तरफ सुर्ख ईंटों की बजरी की क्यारियां थीं, जिन पर थोड़े थोड़े मुनासिब फासले पर बड़े बड़े दरख्त थे, और दरमियान में मौसमी पौधे थे जिनमें मुख्तलिफ रंगों के फूल निगाहों को खीरा करते और बागीचे में ताजगी का एहसास दिलाते रहते। एक तरफ पक्की सुर्ख ईंटों का तालाब सा बना हुआ था, जो इंसानों के नहाने के काम तो नहीं आ सकता था, अलबत्ता इसमें 2 बतखों की जोड़ी तैरती रहती थी। लॉन के इब्तदाई हिस्से में ही बड़ा सा जाली का दरवाजा था, जो रिहायशी हिस्से की तरफ खुलता था और यहीं से इस हवेली के अंदर जाया जा सकता था। अंदरूनी हिस्से यानी रिहायशी हिस्से में पुराने तर्ज के छोटे बड़े हर साइज के कमरे थे, जिन्हें जदीद सामान से आरास्ता किया गया था। ताहम मशरकी रिवायतों को भी मलहूज रखा गया था। कीमती और फैशन के मुताबिक नरमोगदाज सोफे थे, तो कहीं कहीं रंग बिरंगी पीढ़ियां भी इस्तेमाल में दिखाई देती थीं। कालीन बिछे थे तो सवाद की लकड़ी के तख्त भी बिछे नजर आते थे, जिन पर खुशनुमा रिलियां बिछी रहती। खूबसूरत बलायती शोपीस अपने बाहर दिखाते नजर आते तो मुल्तान के बड़े बड़े नक्श वाले गुलदान भी पूरी तमकनत के साथ जलवा अफरोज थे। बावर्ची खाने में चाइना की क्रॉकरी भी थी, और पाकिस्तान गुजरांवाला के नतने बर्तन भी खूब इस्तेमाल हो रहे थे। डाइनिंग टेबल जरूरतन इस्तेमाल किया जाता था, मगर ज्यादातर रात के खाने पर दस्तरखान सजाया जाता और इकट्ठे खाना तनावुल किया जाता। गर्स के मशरकी रवायात की पासदारी इस खानदान का वतीरा थी।
انگلش میڈیم میں تعلیم پانے کے باوجود بچوں کے قلوب میں اپنے مذہب کی محبت بسی تھی اور دین اسلام کی محبت کے ساتھ اپنے کلچر اپنے وطن کی مٹی سے بھی محبت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یوں سکندر ویلا میں رہنے والے الگ الگ مزاج مختلف عادات رکھنے والے ایک ہی ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ سکندر حیات نیازی کے انتقال کے بعد ان کی بیگم رفیہ بیگم اس گھر کی مالکن تھیں اور ان کا بڑا بیٹا جلال نیازی اوپری منزل میں رہائش پذیر تھا۔ گو کہ پکانا کھانا علیحدہ تھا مگر دلوں میں فاصلے نہ تھے۔ نچلی منزل پر کمال رہتے تھے اور طلال نیازی اور ان تین بھائیوں کی اکلوتی بہن لالا رخ تھی، جس کا بڑا پیارا سا بیٹا حمزہ تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک نو خیز کالج گرل ہی نظر آتی۔ ایک بچے کی ماں تو کیا شادی شدہ بھی نہیں لگتی تھی، یوں بھی عمر میں وہ اتنی بڑی ہرگز نہ تھی۔ اس سے بڑا تو اس کا بھتیجا جاذب تھا، جو خود دو بچوں کا باپ تھا، اور کمال کی بیٹی حسنہ بھی اس کی ہم عمر تھی، اس کی بھی دو بیٹیاں تھیں۔ ہنس مکھ بزلا سنج، بچوں میں بچہ، جوانوں میں جوان اور بڑی بوڑھیوں میں ان جیسی ہی جانے والی لالا رخ، جسے سب لالی لالی ہی کہتے تھے، چھوٹے بڑے سب اسی بے تکلیفی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے۔ لالی بات سنو، لالی ذرا ادھر آنا، لالی پلیز یہ کام کر دو۔ جہاں محبت کے سوتے بہتے تھے، ہنسی مذاق چلتا تھا، سب دکھ سکھ کے سانجھی تھے، وہیں اس گھر میں ہر گھر کی طرح کئی مسائل بھی تھے، کئی الجھنیں، پریشانیاں اور دکھ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو رفیہ بیگم نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اپنی سمت کھلنے والی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ چلو شکر ہے آمنا خیر سے پہنچ تو گئیں، انہوں نے ایک طمانیت آمیز سانس کھینچی۔ اچھا تو سبیہ اور اسد نہیں آئے، انہوں نے سادیہ پھپھو کو دیکھا جو آمنا بیگم کی آمد کا دیکھ کر اٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے رک کر ساس کی طرف دیکھا، صرف وہی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا دل اداس ہو گیا، ایک ہی تو بھائی تھا ان کا، وہ بھی بہت کم کم یہاں آتا تھا۔ اسد نہ خود آئے گا اور نہ ہی اس بیچاری سبیہ کو بھیجے گا۔ ہاں بھائی، اس کی شان نہ گھٹ جائے گی اس میں، اونچی ناک نیچی نہ ہو جائے گی، بڑے شہر کے بڑے لوگ ہیں، بڑا بزنس مین ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس کا۔ بھانجی کی شادی میں شرکت کرنے چلا آتا تو قیمتی وقت ضائع ہو جاتا، لاکھوں کا نقصان ہو جاتا۔ وہ پاندان اپنی طرف کھینچ کر سخت برے دل کے ساتھ ایک سانس بھر کر چھالیاں کترنے لگی۔ ارے میں ساس بن کر تھوڑا ہی تمہیں سنا رہی ہوں، تم کیوں جی چھوٹا کر رہی ہو، تمہیں میں کوئی الزام نہیں دے رہی، پھر قدرے متاسفانہ سانس بھر کر بولی۔ وہ میرا بھی سگا بھانجا ہے، بچپن سے اس کی عادتوں سے واقف ہوں، اور پھر سبیہا بھی خیر سے میری نند کی بیٹی ہے، اور خود میں نے یہ رشتہ کرایا ہے۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور، سارے رشتے ایک طرف، شوہر کی تابے داری ایک طرف، اور کیا کرے، شادی کے بعد سارے رشتے عورت ذات کے رل جاتے ہیں، اور وہ بیچاری ازدواجی بندھن کو ہی قائم رکھنے کے جتن میں جوتی رہتی ہے۔ خیر تم دل برا نہ کرو، نہ آیا تو نہ صحیح، شکر کرو بچیوں کو تو بھیج دیا ہے، انہیں بھی آمنا کے ساتھ نہ بھیجتا تو ہم زبردستی تھوڑا ہی کر سکتے تھے۔ سادیہ پھپھو نے ایک ہلکی سی سانس لے کر ساس کو ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے آج تک ساس والا رویہ نہیں رکھا تھا، وہ ان کی سگی خالہ تھیں، مگر خالہ سے بھی زیادہ ماں بن کر انہیں پیار دیا تھا۔ بچیاں تو آئی ہیں نا ساتھ، انہوں نے اس حیرت انگیز خبر کی جیسے تصدیق چاہی۔ جواباً رفیہ بیگم نے کھڑکی کا پردہ سرکایا اور پھر سر ہلا دیا۔ خرم گاڑی پورچ میں رو کر نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہارے لیے اسٹریچر منگواتا ہوں۔ اس کا انداز قطعی سنجیدگی لیے ہوئے تھا، مگر اس کے ہونٹوں کی سطح پر دبی دبی مسکراہٹ چہک رہی تھی۔ بلوشا نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی، جبکہ روشا نے مارے غصے کے احتجاجن گاڑی کے اندر منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اس لڑکے کی تو مذاق کی عادت ہے، اب تم منہ بسورنے نہ بیٹھ جانا، ٹھہرو میں اندر سے لڑکیوں کو بلاتی ہوں۔ ان کے ساتھ سنبھل کر باہر نکلنا۔ دادی کی بات پر روشانے نے کڑوا سا منہ بنا کر خرم کی طرف دیکھ کر نظروں کا رخ پھیر لیا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی دادی، بس ہاسپٹل لے چلے مجھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، بے حد پین ہو رہا ہے مجھے۔ ہمت کرو نا آپ ہی، خرم بھائی کہہ تو رہے ہیں کہ گھر میں ڈاکٹر موجود ہیں، اب سادیا پھپھو کا اتنا بڑا خاندان آباد ہے، اس میں کوئی ڈاکٹر تو ہوگا ہی نا۔ بلوشا نے اسے تسلی دینی چاہی، مجھے کسی بھی گھریلو ڈاکٹر سے قطعی علاج نہیں کرانا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور گھٹنے پر سجھکا لیا۔ اچانک شور سنائی دیا، جالی کا دروازہ کھلا اور لڑکیوں کے چہرے دکھائی دیے، جو ان کے استقبال کے لیے کسی سیلابی ریلے کی طرح باہر آئی تھیں۔ آگے سادیا پھپھو تھیں، جو سب سے پہلے دادی یعنی آمنا بیگم سے ملیں، پھر گاڑی کی طرف بڑھنے لگیں کہ پیچھے سے خرم نے خبردار کا اتنا زور سے نعرہ مارا کہ وہ گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ امی حضور، فوراً اسٹریچر کا انتظام کیا جائے، آپ کی بھتیجی حضور کو بھینس نے ٹکر مار دی ہے اور وہ اپنا پاؤں توڑوا چکی ہیں،
इन्हें 100% यकीन है कि इनके पाँव की हड्डी बुरी तरह मजरूह हो चुकी है और जिसके ठीक होने के चांसेस भी नहीं हैं। स्ट्रेचर, फौरी स्ट्रेचर। क्या बदतमीजी है खुरम, सादिया फूफो ने उसे एक चपत रसीद की और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को, उन्होंने रोशाने को देखकर परेशान होकर आमना बेगम की तरफ देखा। अरे बस बेटा, स्टेशन पर फिसल गई, तुम ज़रा इसे ध्यान से बाहर निकालो और अंदर ले जाओ। तलाल घर पर है या नहीं, कब से उसने हॉस्पिटल जाने की रट लगा रखी है, मैं इसे ज़बरदस्ती घर लाई हूँ, आमना बेगम ये कहकर थकी थकी सी अंदर की तरफ चल दी। लड़कियाँ सारी हक्का बक्का गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गईं। अजीब सी सिचुएशन का सामना था। हाय अम्मा, फिर सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना था। खुरम, तुम में ज़रा भी अकल नहीं है, तलाल के अस्पताल ही ले जाते, जाने रास्ते भर बच्ची ने कितनी तकलीफ़ उठाई। आओ रोशी मेरी जान, हिम्मत करो, अभी डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। सादिया फूफो के लहजे में ऐसी मिठास और हलावत थी कि रोशाने रोना दोना भूल कर कुछ खफीफ सी होकर उनके सहारे नीचे उतरी, मगर फर्श पर पाँव रखते ही एक करहा उसके लबों के दरमियान फड़फड़ा कर रह गई। उसने अपना आधे से ज़्यादा वजन पलवशा पर डाल दिया, मगर सादिया फूफो ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमाइल करके उसे अपने साथ लगा लिया। लड़कियाँ सारी इधर उधर होकर रास्ता देने लगीं। तब वो सहज सहज पोर्च से जाली के दरवाजे तक पहुँची। हर वक्त मजाक सोचता रहता है खुरम को, अब ये कोई मजाक का वक्त था। बच्ची दर्द से बेहाल हो रही है, उसे बिस्तर पर लिटाकर सादिया फूफो ने खुरम की खबर ले डाली। घर में डॉक्टरों की कमी नहीं है अम्मी, अपना आदिल भी मेडिकल के दूसरे साल में है, हड्डियां जोड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, तोड़ तो सकता है ना, मेरा मतलब है फुटपाथी है जितना, डॉक्टर तो बन ही चुका है, उसने ये कहकर सादिया फूफो को दिखाने के लिए घबराने की एक्टिंग की। फिर पलवशा की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। खुर्रम खुर्रम, ज़रा भी तुम्हें सूरत हाल का एहसास नहीं है, जाओ जाकर तलाल को फ़ोन करो कि वो जल्दी आ जाए। मुझे ना सिर्फ संजीदगी बल्कि रंजीदगी का भी पूरी तरह एहसास है, उसने रोशानी की तरफ नज़र डालकर मुस्कुराहट दबाई और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। अगर चाचू इस वक्त किसी ऑपरेशन में मसरूफ हुए तो क्या होगा। अच्छा, अभी करता हूँ फ़ोन, वो सादिया फूफो का हाथ अपने कान की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से सर झुकाकर फ़ोन स्टैंड की तरफ लपका और नंबर पुश करने लगा। दूसरी तरफ 2-3 घंटियों के बाद ही रिसीवर उठा लिया गया, यकीनन तलाल ही था। वो सलाम दुआ करने लगा, उसकी खैर खैरियत पूछने लगा तो रफिया बेगम ने उसके हाथ से रिसीवर झपट लिया और उसे घूर कर देखा, फिर फ़ोन की तरफ मतवज्जो हो गई। तलाल, तुम फौरी घर पहुंचो, एमरजेंसी हो गई है, ये कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। दादी हजूर, अगर एक जुमले का मजीद इजाफा कर देती कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है तो देखते वो कैसे सर के बल आते, अब शायद थोड़ी ताखीर हो जाए। उसकी बात पर रफिया बेगम के सीने से बेख्तियार एक ठंडी सांस खारिज हो गई। यही तो दुख है, लड़की के नाम पर वो सर के बल तो क्या कदमों के बल आते हुए भी 100 बार सोचेगा। खुरम, चलो निकलो यहाँ से, तुम नाहक फजूल बकवास से सर दुखा रहे हो हमारा, सादिया फूफो ने उसे पकड़कर बाहर धकेला। फिर बेड के पास आई और रोशाने का सर प्यार से सहलाने लगी। बस थोड़ी देर में तलाल आ जाता है, वो बहुत अच्छा सर्जन है, तसल्ली से तुम्हें देखेगा, घबराओ मत, उनके लहजे से उसे हकीकी तसल्ली मिल रही थी और किसी हद तक दर्द भी कुछ कम था, जो आरामदेह बिस्तर पर लेटने और टैबलेट खाने की वजह से भी कम हुआ था। वो पलवशा की तरफ मतवज्जो हुई जो कुर्सी पर तकल्लुफ से बैठी थी। अरे वशी, तुम बाहर चलो ना, चलकर सबसे मिलो, इस तरह कमरे में बंद होकर क्यों बैठ गई हो, कोई तकल्लुफ वकल्लुफ नहीं चलेगा, ये सब मेरे अपने हैं, तुम्हारे भी अपने सगे हैं, है ना अम्मा, वो रफिया बेगम से बोली। आप ज़रा रोशाने के पास ही रहिएगा, जब तक तलाल नहीं आता मैं पलवशा को ले जाऊँ, इसे सबसे मिलवाऊँ, लड़कियाँ सारी मेरी वजह से कमरे में नहीं आ रही हैं, वरना तो सभी इन दोनों से मिलने को बेचैन हैं। वो हंसती और पलवशा को लिए कमरे से बाहर चली गई। फिर उसका फर्दन सबसे तारुफ हो गया, वो सब बहुत जल्द घुल मिल जाने वाले लोग थे और कुछ उसकी अपनी फितरत भी ऐसी ही थी। हिना से तो उसकी पहले भी बातचीत होती रहती थी, वो अक्सर सादिया फूफो के साथ उनके यहाँ आती रहती थी। इसके अलावा सादिया फूफो के जेठ की बेटी नाजिश से भी उसकी जल्द दोस्ती हो गई। लाला रुख उर्फ लाली उसे बेहद अच्छी लगी और हुस्ना आपा वो तो बात बात पर फुलझड़ियाँ छोड़ने वाली मालूम होती थी। किसी हद तक खुरम की फितरत की मालूम होती थी, अलबत्ता आदिल कम गो था, ताहम चश्मे के अंदर से उसकी आंखें हमा वक्त मुस्कुराती महसूस होती थीं। जलाल चचा के बड़े बेटे जाजिब भाई खासे पुरशफकत टाइप की चीज़ लगते थे, मगर उनकी बेगम रूबी भाभी उनके बिल्कुल मुतजाद थीं। भरे भरे बदन वाली खूबसूरत नए नक्श की रूबी भाभी बात बात पर बिखरने लगती।
साकिब भी आदिल का ही हम उम्र था और उसी की तरह कमगो था। वो दोनों कज़न पढ़ाकू टाइप के शय थे और दोनों ही मेडिकल के दूसरे साल में थे। वो सबसे ही मिलकर खुश हुई थी। खुर्रम से अलबत्ता कुछ घबरा सी गई थी। उसके सामने उसे अपना सारा एतमाद बिखरता महसूस होता, शायद इसलिए कि वो उसकी शरारतों के रंग और मुस्कुराती निगाहों के रंग का कोई जवाब नहीं दे पाती थी। उसकी हाजिर जवाबी के सामने लाजवाब होकर रह जाती थी। माइयों के पीले जोड़े में हिना वक्तन फवक्तन सबकी शरारतों की जद में आती रहती थी। साकिब और आदिल तो उसे मिस यरकान ही कहकर मुखातिब करते थे। तुम्हारा जी मतलाने नहीं लगा? कल से तुम इन्हीं वाहियात कपड़ों में घूम रही हो। तुम्हें देख देख कर तो मुझे कुछ कुछ होने लगा है। खुर्रम को उसके जर्द कपड़ों से कोफ्त हो रही थी, या फिर वो महज उसे छेड़ने की गर्ज से इंतहाई बुरा सा मुंह बना रहा था। बच्चे, अभी तो 2 दिन ये और इन्हीं कपड़ों में रहेगी और तुम्हें जी भर के कुछ कुछ होता रहेगा, लाला रुख चाय सर्व करते हुए बोली। तो खुर्रम ने मग वापस ट्रे में रखते हुए आओ की आवाज़ निकाली, जैसे उसे सचमुच उल्टी आ रही है। हिना सचमुच खफीफ सी होकर मुंह बसूरने लगी। देखें देखें लाली से, ये ख्वामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे करने दो जो करता है, भले से दिन भर उल्टियां करता रहे, ड्रामेबाज कहीं का। लाली ने उसका मग उसे पकड़ाते हुए घूरा, फिर परवशा को एक मग दिया जो उनकी उस नोक झोंक से महसूस हो रही थी। लाली, क्या ये शादी वाले दिन ही अब नहाकर कपड़े बदलेगी? वो तरहम भरी नजरों से उस अब भी हिना को देख रहा था, जो सोफे पर पांव चढ़ाए बैठी थी। उसने उसकी तरफ से ऊँह करके रुख मोड़ लिया।